हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्कूटी जिनके पास होगा तो स्कूटी में जो है लाइट का कमी आप लोगों को यदि नजर आता होगा, रात में सफर करते हैं, निकलते हैं और लाइट का आप लोगों का बहुत ही कमी नजर आता है और रात में जो है चलने में दिक्कत होता है। बड़े बुजुर्ग जो आदमी है उनको भी थोड़ा सा रात में एक्सीलेटर पर जो लाइट रहता है उससे चलने में दिक्कत होता है, तो उसको कैसे सोल्यूशन करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। मात्र ये 200 रुपया का लाइट लगाकर इसमें उजला भी जलता है और पीला भी जलता है। आपको यदि पीला जलाने का मन करेगा तो पीला भी जला सकते हैं और उजला जलाने का मन करेगा तो उजला भी जला सकते हैं। तो इसको कैसे सेटिंग करना है आप लोग घर बैठे इसको कर सकते हैं आसानी से एक पेचकस की मदद से। हर किसी के घर में जो है पेचकस होता है, तो चलिए इसको खोलते हैं और सेट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका लाइट जो है रात में एक्सीलेटर लेने का जरूरत नहीं है। इसको डीसी कनेक्शन करेंगे, पहले एसी होता है जो एक्सीलेटर लेने के बाद काम करता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करके लगाएंगे जो कि आप लोगों का बाइक स्टार्ट भी नहीं होगा तो भी ये लाइट जलेगा। तो चलिए इसको हम सेटिंग करते हैं और दिखाते हैं। वीडियो में जो है बने रहिए अंत तक। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से एक आप लोगों को मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए इसको एक पेचकस की मदद से पहले स्क्रू को खोल लेंगे और लुकिंग ग्लास यदि लगा होगा तो 14 के रिंच से आप लोग खोल सकते हैं। देखिए इसको वाइजर को निकाल लेंगे, यहाँ पे कपलर जो होता है इसको खींचकर ये हाइलोजन बॉल को हटाकर, इससे जो है रात में चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसको हम सेटिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये बॉल दिखती है, अंदर की तरफ मछली टाइप का ये बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये बॉल। और रबर भी उसी प्रकार से लगा देंगे और काफ़ी सारा एलईडी लाइट इसमें आता है जिसमें रबर लगने का सुविधा नहीं होता है, तो उससे जो है आपका ये रिफ्लेक्टर ख़राब हो जाता है। तो आप लोग ऐसा जो कंपनी रिकमेंड बॉल आता है उस टाइप का बॉल लगाएं। देखिए इसको अब हम कनेक्शन करते हैं, अभी जो है बाइक में ये लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा, ये पहले से एसी कनेक्शन रहता है। देखिए स्टार्ट हो गया, यहाँ से लाइट को हम जला रहे हैं लेकिन ये भूख भाग कर रहा है, देख रहे हैं इतना लाइट नहीं देगा। तो अभी एसी में है तो इसको हम बैटरी से कनेक्शन डीसी में करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ स्विच वाला वायर जो आया हुआ रहता है, स्विच वाला वायर को निकालना है। स्विच का हम वायर निकाल लिए हैं, इसमें दो वायर है, पीला वाला वायर को जो है कट करके इसमें हम कनेक्शन करेंगे। 12 वोल्ट का डीसी लाइन इसमें देंगे जो कि इसको एक्सीलेटर से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको थोड़ा दूर से काटेंगे जो बाद में इसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे काट लिए हैं हम, ये स्विच वाला में ही इसका कनेक्शन करेंगे और ये जो है एसी करंट यहाँ आ रहा है तो इसको हम डीसी करंट इसमें दे देंगे 12 वोल्ट, और ये जो है प्रॉपर काम करने लगेगा। और ये जो एसी करंट यहाँ आ रहा है इसको यहाँ पे साइड कर देना है और स्विच वाला वायर में जो है पीला वायर में एक ऐसे तार का टुकड़ा लेंगे और इसको जोड़ देंगे और इसको जो है डीसी कनेक्शन दे देंगे 12 वोल्ट का डायरेक्ट बैटरी से, जो कि आप लोगों का बाइक स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहां से लाइट को ऑन कीजिएगा और लाइट आपका जल जाएगा तो देखिए इसको कनेक्शन करके यहां पे टेपिंग कर लेना है दोनों में, जो कि वायर कहीं टच ना हो, जो काफ़ी अच्छा है ये बॉल और इसका लाइट भी काफ़ी तगड़ा है। आप लोगों को हम दिखाते हैं कनेक्शन करके। देखिए इस प्रकार से इसको टेपिंग कर लेना है कि कहीं वायर टच ना हो। देखिए इसका हम टेपिंग कर लिए हैं, अब इसका जो है हम स्विच में इसको जोड़ देंगे डायरेक्टली। आप लोग देख सकते हैं इसका वायर जो है स्विच वाला में हम जोड़े हैं, यहाँ पे स्विच में हम लगा देंगे। देखिए इसको लगा लिए हैं, अब इसका जो है हम कनेक्शन देंगे डीसी वोल्ट का, तो डीसी वोल्ट यहाँ पे 12 वोल्ट आया हुआ रहता है। देखिए ये जो काला है ये सेल्फ स्विच का वायर है, आप लोग देख सकते हैं जो ब्रेक दबाने के बाद आपका सेल्फ काम करता है वही सेल्फ स्विच का वायर है। तो इसमें जो है 12 वोल्ट का कनेक्शन आया हुआ रहता है, हम आप लोगों को दिखाते हैं, चाबी ऑन करने के बाद आएगा इसमें। देखिए यहाँ पे ये टच करेंगे और बॉडी में जैसे ही इसको टच करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 12 वोल्ट का करंट आया हुआ है। तो इसी में जो हम कनेक्शन करेंगे और जैसे ही चाबी यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिएगा तो आपका लाइट बंद हो जाएगा, यहाँ से लाइन जो है ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो यही ब्लैक वायर में जो है सेटिंग करना है, यहाँ से सेटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये ब्लैक वायर जो सेल्फ स्विच का है उसमें ही इसको डालेंगे। देखिए इसको कनेक्शन कर लिए हैं, अब हम लाइट को जलाकर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हम लगा लिए हैं, अब डायरेक्टली यहां से चाबी को ऑन करेंगे और लाइट का स्विच जैसे ही देंगे तो देखिए ये लाइट जल गया। स्कूटी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहां से ऑन किए और ये जो है अपर लोअर का यहां से हाई बीम लो बीम का जैसे ही यहां दीजिएगा तो ये पीला जल जाएगा और ये जो है जैसे ही फिर अपर दीजिएगा तो ये उजला जल जाएगा। तो इसमें दोनों फीचर दिया है, पीला उजला दोनों जलने का, जैसे कुहा के समय में भी ये काम आएगी और
रात के समय में जो नॉर्मल होता है उसमें भी ये काम आएगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोग आशा करता हूँ इसका कनेक्शन जो है समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ किसी दूसरा वीडियो में फिर से एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।